हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे आज कि मेरा जो गांव है उस गांव में एक छोटा सा पर्व हो रहा है जिसका नाम है वट सावित्री। तो इस पर्व में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है ये पर्व और क्या क्या है इसका विधि। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, क्योंकि भाई अभी जा रहा है वही ब्लॉग शूट करने। तो फिलहाल इस ब्लॉग में आपको हम वो हर कुछ बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो गाइस मिलते हैं, तब तक हम भी हो जा रहे हैं रेडी, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस आज हम आपको दिखाएंगे वट सावित्री का पर्व। गाइस तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, सभी को मेरे तरफ से दिल से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको दिखाएंगे मेरा छोटा सा गांव, जिसमें आज काफ़ी सारी महिलाएं वट सावित्री की पर्व के लिए आया हुआ है। तो हम आपको मिलाते हैं सभी से, फिलहाल हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, क्योंकि हम इसमें आपको बताएंगे कि आज वट सावित्री का जो ये त्यौहार है जो काफ़ी प्राचीन है और वो पुरानी ग्रंथों में भी इसके लिए शायद कुछ बताया गया है, आई डोंट नो, बट हमको उतना नहीं पता है। जो भी पता है बस हम आपको बता रहे हैं। तो बस हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि मेरे घर में भी ये पर्व हो रहा है। तो हम आपको ज़रूर मिलाएंगे सबसे, आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए और हम आपको दिखाते हैं मेरा एक छोटा सा गांव जिसमें हो रहा है ये पर्व। गाइस हमारा आज का ब्लॉग अब चले शूट करने, क्योंकि मेरा कैमरा भी है रेडी और हम भी हैं रेडी और घर में भी सब कोई होगा ही रेडी, क्योंकि पर्व ही ऐसा है, सब जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हर कुछ हो रहा है। तो चलिए, टाइम भी ओवर हो रहा है, टाइम भी हो चुका है, कितना भाई 10 बज चुका है यार। तो चलिए हम इस ब्लॉग में आपको हर कुछ बताएंगे कि ये ब्लॉग आपको क्या क्या बता सकता है। इसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि ये पर्व क्यों होता है, इस पर्व में क्या है, ये पर्व कितना पुराना है और ये वट सावित्री का जो त्यौहार है इस पर्व में हर सुहागन औरत क्या चाहती है। तो अपना पति के लिए जैसे वो क्या कहता है छठ पर्व होता है, वैसे भी उसी प्रकार का ये सब भी पर्व है। तो चलिए गाइस चलते हैं मेरे इस ब्लॉग में, बाय बाय, तब तक बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में आप लोग। ओके तो फिलहाल हम निकल चुके हैं ब्लॉग शूट करने के लिए, तो चलिए दिखते हैं क्या क्या है इस पर्व के दौरान। गाइस ये है पर्व में लगने वाली एकदम अच्छी खासी सामग्री जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस पर्व के लिए। तो चलिए दिखाते हैं हम और कुछ। हाय, ये मेरा घर छोटा सा है और यहाँ का छोटा सा विलेज हम आपको दिखाएंगे, बस मेरे साथ बने रहिए। ओके गाइस, हम आपको आज बताएंगे कि इस पर्व का नाम वट सावित्री क्यों पड़ा, क्योंकि इस पर्व में काफ़ी सारी औरत पूजन करने आती है और वो रोली धागा लेके, जिसे हम पवित्र धागा भी मानते हैं, उससे चारों और वट वृक्ष के सात बार घूम घूम के उसको गांठ बांधती है और उसके बाद उसमें जल अर्पण करता है, बेना लेके उसको हवा देता है और वगैरह वगैरह काफ़ी सारी इसमें विधियाँ हैं। हमको उतना भी पता नहीं है, क्योंकि हम तो उतना इस कथा के बारे में जानते भी नहीं हैं। तो हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको इस कथा के बारे में जो भी होगी वो सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर को हर कुछ पता होना चाहिए कि हमारे गांव में आज भी काफ़ी सारे प्राचीन और पुरानी जो त्यौहार है वो आज भी मनाया जाता है। तो हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको बताएंगे हर कुछ, हर एक चीज़। तो गाइस आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि वट वृक्ष का नाम वट सावित्री त्यौहार कैसे पड़ा, क्योंकि वट वट वृक्ष के पूजन एवं सावित्री सत्यवान की कथा स्मरण करने के कारण ही वट वृक्ष का नाम वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें काफ़ी सारी महिलाएं अनेकों प्रकार के चढ़ावा चढ़ाती है, जैसे कि आम फल में आपको हो गया लीची वगैरह वगैरह, हम आपको दिखाएंगे क्योंकि हम तो उतना बता नहीं सकते हैं गाइस, हमको उतना नहीं पता है, ठीक ना, जो पता नहीं है तो फिर हम उसको
ढूंढ के फिर हम बताएंगे, ऐसे बताने से बनने वाला नहीं है। तो हमारे इस ब्लॉग में बहुत लंबा हो गया है ना, तो क्या करें गाइस, तो कुछ कुछ तो बताना पड़ता है, क्योंकि अभी तक मम्मी लोग भी नहीं आई है। तो आएगी ना तो ना हम निकलेंगे यहाँ से यार, क्योंकि वहाँ पंडित जी भी इंतजार कर रहा है। मम्मी चलो, तो चलिए चलते हैं। मम्मी लोग आती है पीछे से, यहाँ पे रुकते हैं कुछ देर और। स्काइबर ये हमारे न्यू फोटोग्राफर है। हाय बोलो। कैसे करता है आज ये ब्लॉग बनाएगा भाई? हम अब ब्लॉग नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि अब ब्लॉगर ये बनने वाला है, एकदम नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा ब्लॉगर है ये। तो गाइस इस ब्लॉगर के बारे में हम आपको बहुत सारे वीडियो देंगे, क्योंकि इसका जो कारनामा है ना बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक ना? तो आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये एकदम मासूम दिखता है नहीं, ठीक ना? मिलते हैं, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। फाइनली हम लोग निकल गए हैं अब पूजन करने के लिए, मम्मी लोग भी आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं। माँ चल ध्यान देता बब्बू को बुला बिंदा बब्बू को। अरे यारे, तो हम लोग चल रहे हैं अब, चल रहे हैं अब हम लोग एकदम वट सावित्री का पूजन करवाने के लिए। चलो गाइस मिलता है, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हम लोग चल रहे हैं अब शूट करने, फिलहाल मम्मी भी है, आंटी भी है, भाभी लोग भी है, तो चलो गाइस चलते हैं शूट पे। देखो यार मेरा गांव का छोटा सा मोटा सा व्यू, बस ये है छोटा मोटा व्यू, क्योंकि ये हमारा छोटा सा गांव है। हम आपको दिखाएंगे हर एक कुछ हमारे इस ब्लॉग में, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं बरगद के पेड़ के पास, जहां होने वाला है ये पूजा का पूरा प्रक्रिया। डियर फ्रेंड हम पहुंच गए हैं एकदम से जगह पे, और इधर है बरगद का पेड़। चलो फिर दिखाते हैं और बनाते भी हैं हमारा इस ब्लॉग, जिसका नाम है वट सावित्री से रिलेटेड हर एक बात। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग बरगद के पेड़ के पास, जहां होने वाला आज पूजा, और हम दिखाएंगे आपको हर एक व्यू। बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। सब्सक्राइबर हमने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में, तो चलिए कुछ कुछ और देखते हैं। बोले थे ना बहुत सारी सामग्री आती है इसमें, ये वो वगैरह वगैरह, हमको उतना नहीं पता, बस हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए तो ये देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारा पूजन का सामग्री है। वीडियो काफ़ी हिल रहा होगा, क्योंकि भाई फ़ोन से बना रहे हैं, वन एंड बट वन एंड में कैमरा, इसके लिए थोड़ा हिल ही रहा होगा वीडियो। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सारा कुछ। ये बरगद का पेड़, जिसे वट सावित्री नाम दिया गया इसी पूजन का। तो चलिए हमारे यहाँ पंडित जी भी आए हुए हैं पूजन करवाने के लिए, तो अभी और काफ़ी सारे मेंबर आने के लिए बचा हुआ है, तो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक राउंड पूजा हो चुका है, जिसमें हम आपको दिख ही रहे होगा आप लोग को कि कैसे रोली धागा इसके चारों ओर घुमाया गया है। तो चलिए हम दिखाते हैं हम आपको, बने रही हमारे इस ब्लॉग में, काफ़ी सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारी सुहागन औरत आज आई हुई है यहाँ पे पूजन करवाने के लिए। सबका बच्चा का स्थिति देख रहे हो यार, ये है सबका बच्चा भी रो रहा है। चलो फिर हम आपको दिखाते हैं। विष्णु हरि हरि ही शरीर पर सिद्ध कर लियो, पूजा के जो सामान आ लियो सब पर जल छिड़क दियो। गाइस ये रहा बढ़ोतरी होते हुए थोड़ा बहुत, और काफी सारा आदमी करवा के जा चुका है, एक राउंड पूजा हो चुका है, दूसरा राउंड है ये। और जो जो लेट है अब तो अपना आएंगे वो लोग करवाएंगे। फिलहाल चलिए हमारे ब्लॉग में देखिए कैसे क्या पूजा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए और पूजा सभी पूजा कर रहे हैं अच्छे से, देख रहे हो यार सब सबका सामग्री देखो यार, इसमें क्या क्या है ये देखो, सूप है, नारियल है, आम है, पूड़ी है, और क्या सब है, और क्या सब है देखते हैं, रुको यार दिखा दे, आईना है, देखो मिरर है, केला संतोला है, और अंगूर वंगूर वगैरह बहुत सारा कुछ है। तो गाइस जितना कुछ भी हो सकता है हम दिखा दिया आपको। अब घूमने वाला है ये लोग, देख रहे हो बहुत अच्छे खासे भी घूमेगा, बहुत सारा पब्लिक यहाँ जमा हो चुका है। अभी यहाँ 7 राउंड घूमेगा भाई, सॉरी 5, 2, 7।
क्योंकि तभी पांच उंगली दिखाए थे इसलिए 5-7 राउंड हो गया। तो अब घूमेगा, हम आपको दिखाएंगे और इसके बाद जो कथा होगा उसके बारे में भी कुछ कुछ हम आपको जरूर बताएंगे। बने रहे हमारे इस ब्लॉग में। हम आपको बताए थे ना यहाँ रोली धागा भी बांधा जाता है, तो ये देखो यार इधर रोली धागा बांध रहा है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं जूम करके, तो देख रहे हो यार ये रोली धागा अभी बस इसमें फोल्ड हो रहा है। अब इसका चारों साइड 7 बार ये लोग घूमेंगे, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, दिखाते हैं हम हर एक व्यू आपको। गाइस तो हमारा ब्लॉग खत्म होने वाला है और ये पागल है, बात खत्म। ये दूल्हा है और ये पागल है, ठीक है। तो हमारा ब्लॉग में लुच लुच करने वाला सब, ये कोई जगह नहीं है, कोई से मारते हैं। तो सॉरी ये ब्लॉग में थोड़ा बहुत हाथी पाई हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो पीछे हो रहा है पूजा, हो गया है ख़त्म। चलिए दिखाते हैं हम आपको पूरा वीडियो, बने रही हमारे साथ। गाइस पंडित जी अब सुनाने वाले हैं कथा, तो हमारे इस कथा में आपको सारा बात क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या कैसे होता है, हर कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। मेरा ब्लॉग जरूर लंबा रहने वाला है लेकिन आपको हर एक चीज़ डिटेल्स में पता चल जाएगा। देवी सरस्वती बोलिए श्री सावित्री माता की जय। देखो भद्र देश में एक राजा था जिसका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया जो कि 18 वर्ष तक चलता रहा। इसके बाद सावित्री देवी उस यज्ञ से प्रकट होकर के उन्हें वरदान दिया कि जाओ तुझे एक तेजस्वी कन्या रत्न प्राप्त होगा। सावित्री की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर के बेहद रूपवान हो गई। योग्य वर न मिलने के वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। कन्या जब बड़ी हुई इतना सुंदर वो थी जो उसके योग्य वर ही नहीं मिल रहा था, इसलिए करके उनके पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या से कहा कि बेटी तू अपना वर स्वयं ही तलाश ले। सावित्री तपोवन में वर की खोज में भटकने लगी और वहाँ पहले से ही एक साल्व देश का राजा जो कि राज्य विहीन होकर के शत्रु के द्वारा धुमत्सेन नाम का राजा था, वह पहले से वहाँ जंगल में भटक रहा था क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देख करके सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन यह क्या कर रहे हैं, आप सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है पर वह अल्प आयु है, उनकी आयु बहुत छोटी है, वह 1 वर्ष के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऋषिराज नारद की बात सुन करके राजा अश्वपति घोर चिंता में पड़ गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री तुमने जिस राजकुमार को अपना वर के रूप में वरण किया है वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी आर्य कन्याएं अपने पति का 1 बार ही वरण करती है, राजा 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी 1 ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित रूप से पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल को चले गए, साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंच करके सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया, तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को अपने गोद में रख करके सावित्री सत्यवान का सिर हिलाने लगी।
तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे, सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देख करके यमराज ने कहा, सावित्री से कहा कि हे देवी तुम धन्य हो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति ये सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुन करके उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिलवा दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री से तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु मैं एक पतिव्रत पत्नी हूँ और अपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर के यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गया और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवांत हो गया और दोनों सुखी हो गए और अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक सुख राज्य भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। व्रत सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवास के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। प्रेम से बोलिए सावित्री माता की। आरती ले हो गया खत्म पूजा पाठ, अब चलेंगे प्रसादी खाएंगे। मजा आएगा, मजा मजा मजा। आ प्रसादी ला, प्रसादी ला, प्रसादी 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 प्रसादी। तो गया प्रोग्राम खत्म, वट सावित्री का हो गया पूजा पाठ सम्पन्न। तो चलो चलते हैं अब घर, बनाना भी अपलोड भी करना है। फिलहाल ब्लॉग अभी अपलोड कर रहे हैं, फुल सॉन्ग आएगा बहुत ही जल्दी। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।